यूपी विधानसभा में योगी की हुंकार, समाजवादी सरकार पर किया ताबड़तोड़ हमले, अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, अपनी सरकार की गिनाई तमाम उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश को बताया देश का सबसे उत्तम प्रदेश। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन योगी आदित्यनाथ जब विधानसभा में बोलने उतरे तो उन्होंने एक बार फिर से निशाना बनाया समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को। योगी ने पूर्व सरकारों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान एक ओर वो लगातार विपक्ष की कमियों को गिना रहे थे तो दूसरी ओर अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों का जमकर गुणगान कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में शानदार बैटिंग की। योगी ने समाजवादियों पर खूब हमले किए। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति जानता है कि प्रदेश में बीजेपी को आए सिर्फ 6 साल हुए हैं, उससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे किसी से छिपी नहीं है। इनके कारनामे को जनता जानती है और ये वही लोग हैं जिन्होंने विदेश से डिग्री प्राप्त की है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने ठीक से पढ़ाई नहीं की। अगर सही से पढ़ा होता तो उनको सही जानकारी होती। उन्होंने होमवर्क ठीक से नहीं किया है। वो अपनी सरकार में क्या कर रहे थे। कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी ने पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विधानसभा में एनसीआरबी का डेटा पेश किया और कहा कि सपा सरकार में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, हमारी सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया है और हमने यूपी में अपराधियों पर नकेल कसी है, साथ ही माफियाओं और गुंडों की संपत्ति को भी जब्त किया है। अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और आज यूपी में कानून का राज है। महिला अपराध के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है, हर जिले में महिला थाना बनाए हैं और महिला प्रभारी को प्रभार भी दिया है। आज यूपी माफिया मुक्त हो रहा है और प्रदेश में अपराध में काफी कमी आई है। गोमती रिवर फ्रंट में 1437 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था जिसकी जांच सीबीसीआईडी द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में भर्ती घोटाला हुआ करता था, उस वक्त चाचा भतीजा सब एक हो जाते थे और मिलकर घोटाला करते थे। जब से हमारी सरकार आई है तब से प्रदेश में नौकरियों के लिए भर्ती होती है। प्रदेश में 2017 के बाद 1,64,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। हमारी सरकार में यूपी में कई लाख करोड़ के निवेश हुए हैं। हमने बिजनेसमैन के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए यूपी में अच्छे माहौल तैयार किए हैं और हमने लाखों युवाओं को नौकरी भी दिया है, 20 लाख छात्रों को टैबलेट भी दिया है। पहले की सरकार दिशाहीन थी, यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहे हैं। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती मिल रही है। वीआईपी कल्चर को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पहले यूपी गुंडाराज और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, आज यूपी की पहचान विकासशील राज्य के रूप में है। आज यूपी का एक जिला एक मेडिकल कॉलेज को बना रहा है। आयुष्मान योजना में भी हम नंबर 1 है। अब उत्तर प्रदेश को सम्मान की नजर से देश समेत दुनिया में देखा जाता है और हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश को और विकसित करेंगे। विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ जिस तरह से फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई है। हालांकि इससे पहले समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए थे, सरकार से कई सवाल पूछे थे और अखिलेश यादव की इस पर जमकर तारीफ भी हुई थी, लेकिन आज सभी सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके दे दिया। काका हाथरसी की पंक्तियों को सुनाते हुए योगी ने अखिलेश पर तंज करते हुए कहा कि आपकी कोई दृष्टि और राह ही नहीं थी जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ा। तो अब देखना होगा आज के भाषण का यूपी की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है और योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह क्या अखिलेश यादव पर एक बार फिर से हावी हो जाएंगे या फिर अखिलेश अपने पलटवार से योगी को चित करने की कोशिश करेंगे।